जिस टाइम बच्चों को दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं कि हम बच्चों को किस तरह से आराम दिलाएं, किस तरह से हम बच्चे की जो दांत निकलने से जो पेन हो रहा है, बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उससे हम कैसे बच्चों को निजात दिलाएं। मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान, मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। आज दोस्तों मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि बच्चे के दांत जब निकलें तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह से आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं, दांत निकलते वक्त जो प्रॉब्लम आती हैं उनके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से आपको उन चीज़ों को कम करना है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने ये बताया है कि आपको दांत निकलते वक्त क्या नहीं करना है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों बच्चे का जो दांत निकलने के टाइम है वो 6 महीना है, एवरेज 6 मंथ से 13 मंथ के बीच में बच्चे की टीथिंग कभी भी हो सकती है। जनरली ये 6 मंथ पे होती है लेकिन किसी किसी बच्चे में 4 भी हो सकती है, किसी में 6, 7, 8 मंथ पे भी निकल सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की दांत 13 मंथ के बाद भी नहीं निकल रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि बच्चे को रिकेट्स हो गया हो, या विटामिन डी की डिफिशेंसी, या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के कोई डिसऑर्डर, या ये भी हो सकता है कि थायराइड की कमी भी हो सकती है। अब आइए ये डिस्कस करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं या नहीं। जो सिम्टम होते हैं जो बच्चे के दांत निकलते वक्त होते हैं वो बच्चे इरिटेबल हो जाता है आपका, बच्चे की जो नॉर्मल डेली एक्टिविटी है उसमें आपको चेंज दिखेगा, बच्चा ठीक से सो नहीं पाएगा, बच्चे के मुँह से हर वक्त सलाइवा निकल रहा होगा, थिक सलाइवा, और इसके अलावा बच्चा जो हर चीज़ उठा के अपने माउथ पे रख रहा होगा। जब आप बच्चे के माउथ में अपनी फिंगर को डालेंगे तो डाल के आप ये देखेंगे कि उसकी जो गम्स हैं वो गम्स सॉलिड हैं, सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं। डियर पेरेंट्स, जो टीथिंग है, टीथिंग एज इट इज़ कोई पेनफुल इस तरह का प्रोसेस नहीं है, इतना पेनफुल नहीं होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो टीथ है वो ऊपर आता है और बस एक इचिंग सी होती है बच्चे को, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बच्चा जो हर चीज़ मुंह में डालता है, हर चीज़ काटने की कोशिश करता है, वो इस वजह से करता है कि बच्चे को इचिंग हो रही होती है और बच्चे को एक डिस्कम्फर्ट रहता है उस इचिंग की वजह से। जब बच्चा कोई चीज़ मुंह में डाल के काटता है या उसको अपने जो गम है उसको रब करता है तो उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बच्चे को जब दांत निकल रहे होते हैं तो दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे को लूज मोशन के साथ फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है और खांसियाँ भी आने लगती हैं, बच्चे के पेट में दर्द होता है, ये सब दांत निकलने का सिम्टम मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांत निकलने में और लूज मोशन और फीवर, इन सब में कोई भी रिलेशन नहीं है। दांत निकलना एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे सबके दांत निकलते हैं, जैसे सारे जानवरों के, सारे मेमल्स के दांत निकलते हैं, वैसे ही इंसान के भी निकलते हैं, ह्यूमन के भी निकलते हैं। और दांत निकलते वक्त ये सब चीज़ें होती हैं तो आखिर इसका रीज़न क्या है? अपने बच्चों को देखा होगा दांत निकलते वक्त तो वो हर चीज़ को मुंह में उठा के डालते हैं, कभी अच्छी चीज़ भी डालते हैं, कभी गंदी चीज़ भी डालते हैं, कोई चीज़ साफ़ है उसको भी डाल रहे हैं, कोई चीज़ गंदी है, इन्फेक्टेड है उसको भी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या इन सब चीज़ें लगी हुई हैं वो भी उठा के बच्चे मुँह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से ही डायरिया, फीवर, कफ और जो भी जितनी भी परेशानी होती है, पेट में दर्द, ये सब इसी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। हम और आप सोचते हैं कि दांत की वजह से और उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं कि जब दांत निकल जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको ये सब सिम्टम दिखते हैं तो उस टाइम आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, हो सकता है कि बच्चे को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे को हम कैसे आराम दिला सकते हैं, तो 4-5 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बच्चे की टीथिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग से बड़ा आराम मिलता है, जब बच्चा निप्पल पे अपने गम रगड़ता है तो उसको एक सूथिंग एहसास होता है और उसकी जो इचिंग है उसमें आराम मिलता है उसको। इसलिए बच्चे को खूब सारा ब्रेस्ट फीड कराइए, जितना आप कराते हैं नॉर्मली उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीड करा दीजिए। और बच्चे को ठंडी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं उस टाइम पे, तो ठंडी चीज़ें बच्चा जब गम पे रखता है तो भी उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ठंडी चीज़ों में उसको आप स्पून दे सकते हैं, उसको टीथर दे सकते हैं, और उसको जो है जो भी चीज़ें इस तरह की वो फ्रिज में रख के ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद वो आप उठा के बच्चे को मुंह में रखने दीजिए, बच्चा जब उसको अपने मुंह में रखेगा, गम पे वो टच करेगा तो बच्चे को आराम मिलेगा। इसके अलावा बच्चा हर चीज़ काटना चाहता है, हर चीज़ को अपने गम में रख के रब करना चाहता है, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे टीथर आ रहे हैं,
सिलिकॉन टीथर भी आते हैं कई सारे, लेकिन आपको बच्चों को अपने सिलिकॉन का बना हुआ ही टीथर देना है। इस तरह के टीथर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कुछ सॉलिड होते हैं और कुछ में अंदर पानी ऐसा भरा होता है। इन टीथर को आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं या इनको आप फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अपने बच्चों को दे सकते हैं। ध्यान रखिए आपको ठंडा करना है, आपको फ्रीज़र में रख के इसको फ्रीज नहीं करना है, वरना बच्चों को कोल्ड भी हो सकता है, ज़ुकाम भी हो सकता है और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब इसके बाद आप बच्चों को मसाज करके उसके जो इचिंग है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसमें आराम दिला सकते हैं। मसाज करने के लिए आपको अपने हैंड को अच्छे से वॉश करिए। अच्छे से वॉश करने के बाद अपनी फिंगर को बच्चे के माउथ के अंदर डालिए। अगर बच्चे के दो चार दांत आ चुके हैं नीचे ऊपर के, तो फिर आप ये चीज़ मत करिए, वरना आपकी फिंगर को वो काट लेगा। अगर पहली बार टीथिंग हो रही है या अभी दांत बाहर नहीं आए, तब आपको ये चीज़ें करनी है। अब अपनी फिंगर को बच्चे के गम पर रख के हल्के हल्के से धीरे से उसको मसाज करते रहिए नीचे ऊपर। और बच्चा अगर थोड़ा सा काटने की कोशिश करता है तो काटने दिए, गम से वो कटेगा नहीं बल्कि बच्चे को आराम मिलेगा। थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हैं अगर इसको, तो आप अपनी फिंगर को एक बाउल में ठंडा पानी लिए, उसमें आप डुबो के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद फिर आप बच्चे के गम पे उसको मसाज करिए, बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो टीथिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है या आपको क्या चीज़ नहीं देना है। सबसे पहली चीज़ आती है कैल्शियम टेबलेट। वैसे देने में कोई बुराई भी नहीं है, इससे कोई नुकसान तो है नहीं कैल्शियम से, लेकिन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बच्चा आपका दूध पी रहा होता है जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं, और दूध पीने वाले बच्चे को कैल्शियम की कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। जब किसी को कैल्शियम की कमी होती है तो उसको बोला जाता है कि आप दूध ज़्यादा पियो, जब बच्चा दूध ही पी रहा है, सारी डाइट उसकी दूध है, तो कैसे उसको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। एक बेबी में किसी और वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से टीथ उसके ना निकले, लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से कभी ऐसा नहीं होता उसके टीथ ना निकले। फिर अब आता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ मेडिसिन आती हैं जिसमें कि वो दावा करते हैं कि इस मेडिसिन से बच्चे का पेन कम हो जाएगा। पहली चीज़ तो पेन इतना होता नहीं है जिसके लिए आपको कोई पेन किलर या इस तरह की कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़े। अगर थोड़ा बहुत इचिंग होती भी है तो उससे कोई इतना नुकसान नहीं है। ये जो मेडिसिन आती हैं जो पेन कम करने वाली या टीथिंग को ईजी करने वाली, उसमें लोकल एनेस्थेटिक होता है। लोकल एनेस्थेटिक उस जो गम होते हैं बच्चे के उसको सुन्न कर देता है, उसको एनेस्थेसाइज कर देता है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये मुंह में जा रहा है तो पेट में भी जा सकता है, अगर पेट में भी जा रहा है तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो इस तरह की मेडिसिन आप बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिर आती है घुट्टी, ग्राई पाउडर, जो कि हमारी जो दादी नानी हैं उनका ये बहुत फेवरेट है। मैं दादी नानी के सारे नुस्खों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप मेहरबानी करके सलाह ना दें इन सब चीज़ों से, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को देने से जो फीवर है, दस्त है, ये सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी और बच्चों को आराम मिल जाएगा। लेकिन होता ये है कि जो बच्चों को जो इन्फेक्शन बच्चों को हुआ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं। तो ये सब बिल्कुल मत दीजिए। तो दोस्तों इन सब टेक्निक्स को फॉलो करिए, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से करिए, तो आपके बच्चे की टीथिंग बहुत आराम से हो जाएगी और उसको कोई परेशानी आएगी नहीं। और टीथिंग एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, इसको आप इतना ज़्यादा सीरियसली, इतना ज़्यादा पैनिक होकर इसको मत लीजिए। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, बच्चा जो है डेवलप कर रहा है, बॉडी ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, वैसे टीथ भी निकल रहे हैं, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट है। मैं होप करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया, वो आपको काम की लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं या जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, उन चीज़ों को आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ कमेंट पर, या अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आगे मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल दिल्ली चाय। थैंक यू।